नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं कॉमोडिटी क्रूड ऑयल के ऊपर बेस करके एक लाइव वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे आप साइड बेस मार्केट से बच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और शुरू करने का पहले एक बार बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस मार्केट में न्यू हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलिस ब्रू के साथ काम करते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफ़ी सारा फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। और भी डिटेल्स में जानकारी लेने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर देखिए अकाउंट ओपनिंग का एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, तो लिंक ओपन करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, आपके पास एलिस ब्रू की तरफ से फ़ोन चला जाएगा। मन में जो भी डाउट है क्वेरीज आप कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो ही ज्वाइन होइए। तो अभी मैं आज को जो परफॉर्मेंस दिखाने जा रहा हूँ क्रूड ऑयल का, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो कॉमोडिटी मार्केट में अगर हम लोग क्रूड ऑयल में काम कर रहे हैं तो कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। आप तो यूज़ कोई भी टाइम फ्रेम पर कर सकते हैं, बट कॉमोडिटी का टाइमिंग बहुत ही बड़ा होता है, तो अगर आप छोटा टाइम फ्रेम फॉलो करेंगे तो काफ़ी नेगेटिव रहेगा, काफ़ी सारा वहाँ पर नॉइज़ आपको दिखेगा। तो मिनिमम मेरा मानना है जो 10 मिनट का चार्ट को फॉलो कीजिए, दिस इज़ वेरी गुड फॉर कॉमोडिटी मार्केट। तो अभी मेरा सामने 10 मिनट का ही चार्ट खुला हुआ है, तो सॉफ्टवेयर में ये जो ग्रीन कलर का एरो आपको दिख रहा है ये आपका सिग्नल है, ये जो ग्रीन कलर का एरो आपको बिगिनिंग में दिख रहा है तो ये आपका बाय का कॉल है। जब भी कोई कॉल बनेगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अब देखना है ये है जो क्या ये बाय का कॉल सही है, इसमें ट्रेड करना है या नहीं करना है। सपोज आप क्रूड ऑयल में ओनली 10 to 20 पॉइंट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ईजिली आप यहाँ से निकल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है प्राइस का साथ साथ वॉल्यूम प्रेशर को आपको चेक करना है। बहुत टाइम हम लोग मार्केट में फंस जाते हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ प्राइस के ऊपर बेस करके ट्रेड करते हैं, वॉल्यूम को चेक ही नहीं करते। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ऑब्वियसली प्राइस का साथ साथ वॉल्यूम प्रेशर को चेक कीजिए। प्राइस में मूवमेंट हो रहा है, वॉल्यूम में भी मूवमेंट हो रहा है, उसका मतलब है ये एक सही संकेत है, आप वहाँ पर कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो कॉल बना था 7019 पे ऊपर में देखिए लिखा हुआ है, इस टाइम देखिए मिडिल में दो लाइन दिखाई देगा आपका, उसका कलर ग्रीन होना चाहिए। नीचे का जो रिबन है डग गया है वो भी ग्रीन था, और सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो है नीचे का जो ये बार आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, तो ये आपका वॉल्यूम बार है, ये पॉजिटिव वॉल्यूम है, तो बाय करने का टाइम ऑब्वियसली पॉजिटिव वॉल्यूम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप एंट्री लिए थे 7019 मतलब 20 पे भी अगर आप एंट्री लेते हैं, लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से 40 से 50 पॉइंट का अर्निंग आप कर लिए जस्ट कुछ ही टाइम के अंदर। तो इस चीज को समझना है, ग्रीन कैंडल है मतलब आपका पोजीशन सिक्योर है, रेड होने का मतलब है थोड़ा सा नेगेटिविटी क्रिएट हो रहा है। तो ये था पोजीशन, ये फ्रेश कॉल था, यहाँ पर आपको टारगेट मिला। अगर आज का बात किया जाए, ये आज का ओपनिंग कैंडल है, देखिए यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था, कैंडल रेड था, एक कैंडल बाद नीचे का रिबाउंड भी रेड हो गया था, मिडिल का दोनों लाइन पिंक भी था, तो ये दिखा रहे जो थोड़ा सा सेलिंग ट्रेंड है। और उस टाइम अगर आप वॉल्यूम का प्रेशर को देखेंगे तो ये आपको इंडिकेट कर रहे नहीं अभी भी प्रेशर जो है बाइंग का तरफ भी है, वाली वो उतना स्ट्रांग नहीं है, देखिए एकदम छोटा आपको बार दिखाई दे रहा है। तो इतना दूर तक आपको वेट करना पड़ा, मतलब सुबह को अगर आप क्रूड ऑयल में कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं तो ना ही आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं ना ही आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि सेलिंग का कॉल तो है नहीं, सेल का कॉल बनेगा तो एरो बनेगा, और बाइंग भी आप नहीं कर सकते क्योंकि नीचे का रिबन रेड है, मिडिल का दोनों लाइन पिंक है। अल्टीमेट देखिए इस कैंडल पर जाके आप, ये जो कैंडल है इस कैंडल का जो क्लोजिंग वैल्यू है, इस कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू का मतलब ये नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग वैल्यू, यहाँ पर देखिए नीचे का रिबन ग्रीन हो गया था, वॉल्यूम बार देखिए कितना स्ट्रांग हो चुका है, मिडिल का दोनों लाइन भी जो पहले पिंक था वो इसी कैंडल पे रिवर्स होकर इसका कलर ग्रीन हो गया है। तो इस कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू मतलब 7040, तो 7040 से लेके अगर आप देखेंगे यहाँ पर 173 का हाई मारा था, तो ये विद इन 4 to 5 कैंडल आपको यहाँ पर एक लंबा प्रॉफिट अर्निंग हो गया। तो इस चीज को समझना है, प्राइस का मूवमेंट हुआ और इस टाइम मार्केट में जो वॉल्यूम का प्रेशर था काफी स्ट्रांग था, तो इस चीज को अगर आप पकड़ लेंगे तो आप आराम से विद इन हाफ एन आवर मार्केट में एक अच्छा एक्सपेक्टेशन जैसा रिजल्ट ला सकते हैं। अल्टीमेट देखिए अभी यहाँ पर जाके मिडिल का जो दो लाइन है वो पिंक हो गया है, नीचे का रिबन देखिए अभी फिलहाल रेड हुआ है, बट वॉल्यूम का तरफ अगर आप लोग नोटिस रख रहे हैं तो अभी भी जो वॉल्यूम का प्रेशर है वो पॉजिटिव में है, तो अभी भी आप सेल तो नहीं कर सकते, सेल का कॉल भी नहीं बना है, तो देखा जाए तो ट्रेंड जो है बाइंग पे ही खड़ा है। तो इसी चीज़ यही चीज़ यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ, जो सिग्नल कहीं पर भी बने, जैसे यहाँ पर अगले दिन का कॉल कोई कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, अगर आप यहाँ पर निकल गए तो आप यहाँ पर री एंट्री भी मार सकते हैं,
री एंट्री वांडेड का टाइम आपको देखना है, नीचे का रिबन का कलर ग्रीन होना चाहिए, मिडिल का दोनों लाइन ग्रीन होना चाहिए, और वॉल्यूम का प्रेशर बाइंग पे है या नहीं, पॉजिटिव वॉल्यूम है या नहीं, और जितना ज़्यादा स्ट्रांग वॉल्यूम रहेगा उतना ही अच्छा आप यहाँ पर बेनिफिट ला सकते हैं। बार बार ट्रेड करने का जरूरत नहीं है, दिन में एक या दो ट्रेड लीजिए, परफेक्ट लीजिए, उसी में आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो कंसेप्ट कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।